Good morning, students. How are you? Welcome to my class. बेटा 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं और हम स्टार्ट करेंगे 7.2 पेज नंबर 19. ओपन योर बुक पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 7.2 मल्टीप्लीकेशन साइन मैंने आपको समझा दिया था. मल्टीप्लाई करना ओके टेबल ठीक है. अब अपन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. देखिए किसी भी नंबर को अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं. जैसे नंबर लिया टू, टू वन जा टू तो होता है, टू वन जा जीरो. जीरो से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को फाइव, सिक्स सेवन, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो. ओके जैसे क्या कहा मैंने, फाइव को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर लीजिए. जीरो की टेबल होती है क्या? नो. जीरो जा जीरो, जीरो जा जीरो, जीरो चाहे जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो फोर जा जीरो. क्लियर हो गया? जीरो नाइन जा जीरो, जीरो टेन जा जीरो. अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा. क्लियर? ध्यान से सुन लीजिए. कोई भी नंबर दे दिया मैंने आपको 22, 21, 7, 8, उसको आपको जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, जीरो. क्लियर? ठीक है. अब मैंने कहा वन, किसी भी नंबर को अगर आपको वन से मल्टीप्लाई करना है, वन से, तो आंसर वही आएगा. देखिए जैसे मैंने सेवन को वन से किया, वन सेवन की टेबल कितनी बार बोली है, सेवन बार. वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन सेवन जा सेवन. क्लियर? जीरो की टेबल वन की टेबल समझ में आ गई. किसी भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो आंसर वही आएगा. क्लियर? किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से, तो आंसर क्या आएगा, जीरो. मैं ये मीटिंग में पूछूंगी गूगल मीट में, अगर आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वो एक्सैक्ट नंबर वही आएगा. क्या आएगा? वही नंबर आएगा, वन सेवन जा सेवन, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना. अगर आप वन से किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा. ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ होगा वो आएगा. क्लियर हो गया? ठीक है ना. तो इन सबको क्या बोलते हैं, जो आंसर आता है ना मल्टीप्लाई में, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है ना, प्रोडक्ट फाइंड करना. ठीक है, मल्टीप्लाई, जहाँ प्रोडक्ट आ जाता है वहाँ इट मीन्स मल्टीप्लाई करना. मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट होता है, आंसर में टोटल होता है, ऐसे मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट, बट लिखा हुआ नहीं होता कितनी बार, तो आपको भी फाइंड करना होता है. ये चीज क्लियर हो गई आपकी? यस. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट द सेट एंड राइट हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर सेट ऑफ टू, फोर सेट बनाने हैं आपको, टू टू बॉल्स. ठीक है, टू बॉल्स, देखिए टू बॉल्स है, टू है, टू है, टू बॉल्स, कितने सेट हो गए, वन टू थ्री फोर. आपको एग्जाम में तो बॉल ही बनानी है. तो ये इस ऑफ का मीन्स पता है आपको क्या होता है? इस ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. क्या होता है इस ऑफ का मीन्स? मल्टीप्लाई. जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बोर्डो मार्क्स होता था, आएगा आपके बड़ी सिक्स सेवन्थ में, फिफ्थ सिक्स में आ जाएगा. तो ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. अगर मैंने एग्जाम में ऐसे दे दिया, आ सेट, फाइव सेट ऑफ थ्री, फोर सेट्स ऑफ टू, ये ऑफ आ गया ना, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई. मैंने क्वेश्चन ले दिया थ्री सेट्स ऑफ सिक्स. अब मैम क्या करें इसमें, ऊपर तो मल्टीप्लाई कुछ लिखा हुआ नहीं, काउंट द सेट एंड राइट हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. काउंट
बार बार में प्लस करना था। क्लियर? अब इसका आपने सेट दिए हुए हैं 3 सेट ऑफ 5, 3 सेट ऑफ 6, 7 सेट्स ऑफ 4। तो आप इसमें एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि मैम क्या करें, इसमें प्लस करें माइनस करें, क्या ऑफ लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा मल्टीप्लाई। क्लियर? ये आपकी बुक में भी है और आपको बुक में भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।